बिहार के अंदर सरकार शराबबंदी कर चुकी है, लेकिन अब सरकार ग्रामीण इलाकों में पूर्ण शराबबंदी करने जा रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार द्वारा ताड़ी पर बैन लगा दिया गया है, जिसको पहले शराबबंदी की लिस्ट से बाहर रखा गया था। लेकिन अब ताड़ी पर बैन लगने के बाद से बिहार में जनता रोडों पर निकल प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर पटना में न्यू अखिल भारतीय पासी समाज ताड़ी व्यवसायियों ने गांधी मैदान से राजमहल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस द्वारा उनको बीच में ही रोक दिया गया। जिसके बाद पुलिस द्वारा पहले उन्हें समझाने बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन पासी समाज के लोग मानने को तैयार नहीं थे और आगे बढ़ने की कोशिश करने में लगे रहे। पासी समाज के लोग नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन फिर भी पासी समाज के लोग पीछे नहीं हटे और राजभवन मार्च की मांग पर डटे रहे। उनका कहना था कि जब तक वह राजभवन पर जाकर अपनी मांग का ज्ञापन नहीं दे देते तब तक वह नहीं हटेंगे। इस बीच कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। प्रशासन की ओर से जेपी गोलबर्ग और डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सूत्रों की माने तो पथराव में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। इधर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस द्वारा बेवजह लाठीचार्ज किया गया, हमारी ओर से शांतिपूर्ण राजभवन मार्च किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उनकी मांगों को दबाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और भगदड़ की स्थिति मच गई। इसमें पासी समाज के कई लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा ताड़ी पर बैन लगा दिया गया है। पासी समाज की आजीविका का मुख्य स्रोत ताड़ी है। सरकार ताड़ी पर बैन लगाकर पासी समाज के लोगों के पेट पर लात मार रही है, इसलिए सरकार फौरन इस मामले को गंभीरता से ले और ताड़ी को बैन मुक्त करे ताकि पासी समाज के लोग आराम से रह सके। इससे पहले लालू सरकार ने ताड़ी को टैक्स फ्री कर दिया था और कहा गया था कि ताड़ी को गरीब लोग पीते हैं, लेकिन अब उन्हीं लालू की पार्टी के समर्थन वाली सरकार ताड़ी पर बैन लगा रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।